एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:15 बजे से और बस अब सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्योंकि अभी बाहर धूप लग चुकी है और मैं अभी तक हीटर के पास बैठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अब उठ जाती हूँ और ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं करा है, ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ और उसके बाद शॉप जाती हूँ। तो आज है हैप्पी न्यू ईयर 31 अगस्त, तो सोच रहे हैं कि क्या करें, कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं करने को, हम कहीं जा भी नहीं रहे। पहले हमारा प्लान था शिमला जाने का बट पूजा वगैरह नहीं आ रहे है तो उस वजह से प्लान हो गया है कैंसिल। पहले बन रहा था हमारा प्लान कहीं जाने का बट एट द एंड वो कैंसिल हो गया है किसी वजह से, क्योंकि अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। वजह ऐसी कुछ है नहीं है, बस यही वजह है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सब बोल रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो फिर कहाँ जाए ऐसे टाइम पर, अब दिन भी छोटे हैं और शाम को टाइम से घर भी वापस आना होता है। और फिर सब बोल रहे हैं कि तुम्हें पहले ये प्लान बनाना चाहिए था कहीं जाने का। तो गाइस प्लान कैंसिल है और अब हमें घर पर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करना पड़ेगा। और लाइक मैं हो गई हूँ इस तरह का मूड बन गया है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सब बैठे हैं मम्मा भाई वगैरह, तो अब शॉप पर तो मूड भी कुछ ऐसा हो गया है कि अब तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करें, मन नहीं लग रहा है, बोर हो रही हूँ। सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो शिमला में और यहाँ पर हम घर पर देखो बोरिंग डे मना रहे हैं। मैं बैठी हूँ धूप से की आज बहुत दिनों के बाद और आपको तो पता ही है हमारा न्यू ईयर घर पर ही होने वाला है क्योंकि हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। पहले हम जा रहे थे बट हमारा कैंसिल हो गया एट द एंड। तो बस सब बैठे हैं यहाँ पर और धूप सेक रही हूँ, धूप के मज़े ले रही हूँ और आज ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, संडे का दिन है तो फिर और क्या कर सकते हैं, घर पर ही बैठे रहो, बोर होते रहो। मेरा तो बहुत मन था कहीं जाने का बट मुझे लग रहा है कि घर पर ही रहना पड़ेगा। तो मैं और मम्मा बैठे हैं सड़क के किनारे, है मम्मी सड़क के किनारे, किनारे नहीं है मैं अपनी दुकान के सामने किनारे थे। मम्मी क्या बोल रहे, सड़क के किनारे नहीं है हम दुकान के सामने, दुकान के सामने पर जाकर देखती हूँ जरा सीन क्या कर रही है। तो अभी धूप हमने सेक ली है और लाइट भी आई, मेरे फ़ोन में बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम है तो मैं फ़ोन को भी चार्ज कर लूँगी और धूप भी चली गई है। देखती हूँ सीमू क्या कर रही है क्योंकि आज वो शॉप ही नहीं आई, आई थिंक कुछ तो कर रही होगी वो घर पर, वैसे भी वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो मैं देखती हूँ ज़रा जा। जी देखिए शैतानों का शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या रो रही है तू, क्यों दिखा दिखा नन्नी नन्नी दिखा नन्नी दिखा, ये मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, दिखा पहले शक्ल, ये मुझे मारती है। सुबह सुबह मैं सोई हुई थी और ये वॉशरूम गई और मेरे को एक जोर लगा कि बता फालतू में। अच्छा 10:30 बजे थे ना और ये सो रही थी इसलिए इसको एक मार पड़ी। 10:30 बजे थे, 10:30 बजे थे और तू सो रही थी। एक और सच्चाई बताना चाहती हूँ, वॉशरूम के हाथ बिल्कुल ठंडे थे, मतलब ठंडे पानी से जैसे वॉश करे ना, और वो सारे मेरे ब्लैंकेट पता है ठीक है, इसीलिए मैं ऐसी थी ना, क्या बताए, नाराज थी मैं बहुत। टैरिस से बंदर आ रहे हैं ना तो उनका स्वागत कर रही है बंदरों का, तो इसलिए ये गेट पे खड़ी है। शक्ल देखो इसकी, खुद ही बंदर बना हुआ है, धाना ना धोना है ये किसी काम, ये काम ना काज की दुश्मन अनाज की। मैं नहाती हूँ रोज शाम। तो अब तो मुझे ऑरेंज खाकर ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना पड़ेगा, तो मैंने ऑरेंज को कट कर दिया है और अब मैं इसे खाऊंगी। तो ये है मेरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन विद ऑरेंज, ये देखिए मैं ऑरेंज ऐसे करके खाऊंगी, मेरे बिना ऐसा हो नहीं सकता। इलायची भी आ गया, वो तो खट्टा है, वो तो मत खा इसको, ये तेरे लिए नहीं बनाए मेरे लिए बनाए। जो लोग ज्यादा नखरे मारे ना और ड्रामे करे उनको कभी कुछ मत दो खाने को, ये खट्टा है ये मीठा है तो है सच में, ये कोई झूठा है आपको मैं बताऊं, ट्रस्ट में ये इतना मीठा ऑरेंज है ना, बहुत ही मीठा। अरे क्या बोलती है, ये खट्टा है, मुझे तो मुझे खट्टे वाला आया तो मैंने बोल दिया। देखिए यहाँ पर दो पार्सल आए हैं और मैं देखती हूँ इसमें क्या क्या है।
वो जो मैंने सिमो के लिए कवर मंगवाई थी इसमें आई है वही कवर। तो ये कवर मंगवाई है मैंने सिमो के फोन के लिए। कलर अच्छा है ना, मुझे नहीं ये कलर अच्छा लगा, ऑरेंज सा कलर है। तो ये है सेकंड पार्सल, इसमें शायद मम्मा का कुछ आया है, मम्मा बोल रहे हैं। तो भी ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं जरा इन्होंने क्या मंगवाया है अपने लिए। तो मम्मा ने मंगवाया है एक सूट, और ये सूट है ग्रे कलर का, विंटर सूट है सर्दियों का। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह का सूट है, इस तरह का। तो जो ये सूट मंगवाया है मम्मा ने, ये मंगवाया है 1200 का, और ये सिमो की कवर में लगा के देख। तो ये लगा दी है मैंने कवर, तो आप देख सकते हैं वाइट और ऑरेंज का अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है कवर के साथ। तो ये है फाइनल कवर, तो कवर भी अच्छी लग रही है। घर पर बैठी हूँ अभी, और आप लोग कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा न्यू ईयर तो आपको पता ही है, घर पर कुछ भी काम नहीं है, बस अभी डिनर की तैयारी हो रही है। और मैंने प्याज और लहसुन हरी मिर्च अदरक काट दिया है, और आज बना रहे हम अरबी की सब्जी। और अभी सिमो है दूसरे रूम में, और मम्मा और भाई शॉप बंद करने वाले हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद आएंगे वो ऊपर। और हमारा न्यू ईयर तो बस ऐसा ही होता है, सोचा था कि इस बार कहीं जाएंगे घूमने, बट कोई प्लान बना नहीं जाने का, घर पर ही रहना पड़ा इस वजह से। बाहर का व्यू देखते हैं अभी रात के टाइम कैसा है थोड़ा। तो रात के टाइम होता है कुछ इस तरह का व्यू, और अभी तक हमारी शॉप भी बंद नहीं हुई है। तो रात के टाइम तो बस व्यू ऐसा ही होता है, क्या बताएं। जी देखिए, इसमें है बहुत सारी चॉकलेट, ये देखिए ये कैसा बना है ढोल सा, और कितना प्यारा, इसको हम ऐसे हैंगिंग करके भी रख सकते हैं। अभी खाते हैं हम ये चॉकलेट जो उससे मैंने उस टोकरी से मैंने निकाल ली है। बहुत सारी चॉकलेट देखिए, शेप देखिए इसकी कितनी प्यारी शेप है। मतलब कुछ है इसके अंदर, आई थिंक इसके अंदर है नट्स, इसके नट्स वाली चॉकलेट नहीं खाते बस वैसी है ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एंड आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आप सबकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अच्छा करे, और आपका जो पूरा साल है वो बहुत अच्छा बीते। तो सभी के लिए न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो 31st तो मेरा बिल्कुल ही बोरिंग था, जैसा आपको पता ही है, तो 31st तो मैं कहीं मना ही नहीं सकी। तो आज है 1 तारीख 1 जनवरी 2024 की, तो मैं प्रे करती हूँ कि मतलब आज से सब अच्छा अच्छा हो। मैं शॉप आई हूँ क्योंकि मम्मा वगैरह को जाना पड़ रहा है गाँव, वो चले गए हैं अभी, भाई और मम्मा गाँव गए हैं। तो आज पूरा दिन मैं शॉप पर ही रहने वाली हूँ जब तक मम्मा वगैरह वापस नहीं आए, तब तक धूप सेक रही हूँ बाहर बैठकर। और एक आंटी है मेरे सामने, वो मुझे देखे जा, जब मतलब लोग मुझे देखते हैं ना तो मैं मतलब कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, और मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं पूरी तरह ब्लॉगिंग नहीं पकड़ पाती जब मुझे लोग देखते हैं। तो अभी एक आंटी मुझे देख रहे हैं, और मुझसे नहीं होता है, मतलब मैं इतनी ओपन नहीं हूँ कि सबके सामने ब्लॉगिंग कर सकूँ या कैमरे के सामने कुछ बोल सकूँ, उतना ज़्यादा ओपन मैं नहीं हूँ अभी। तो फिर एक आंटी मुझे बैठ के देख रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि यार ये ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुझसे ना फिर कुछ बोला ही नहीं जाता है। आज के व्लॉग को करूँगी मैं यहीं एंड। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, एंड जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।